So hey guys, welcome back to another video about Animelog, and English subtitles are also available for those viewers who don't know Hindi, so turn it on now. And I got some more details regarding this channel, so make sure you watch this video till the very end. So there are currently 13 titles listed on the channel, including Future Boy Conan, Blackjack, The Story of Pollyanna and The Girl of Love. तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोग जब उनके ऑफिशियल चैनल पे जाओगे, अब मैं ऑफिशियल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके नाम पे बहुत सारे फेक चैनल्स बन चुके हैं, जो काफ़ी बुरी बात है, एंड उनके पास अभी हज़ारों में सब्सक्राइबर्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाना तो रिडायरेक्ट हो जाओगे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो उनके चैनल के प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आप लोगों को 13 टाइप्स के एनिमे सीरीज़ दिखेंगे, जहाँ पर फ्यूचर बॉय कोनान, ब्लैक जैक एंड द स्टोरी ऑफ पोलियाना एंड द गर्ल ऑफ लव, इस तरीके के बहुत सारे सीरीज मिल जाएंगे। लेकिन वो जापानीज ऑडियंस के लिए है, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो पे ही बोला था कि वो लोग स्टार्टिंग के लिए जापानीज ऑडियंस को चूज़ करने वाले हैं, तो अभी ये वीडियोस वो देख सकते हैं लेकिन हम नहीं। और अब आप लोग जब उन वीडियोस को प्ले करोगे तो तब दिखाएगा कि कांट प्ले दिस वीडियो राइट नाउ। लेकिन आप लोग उनके लॉन्च किए गए सिर्फ दो वीडियोस को देख सकते हैं, जिनको उन्होंने कल ही लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड व्यूवर्स के लिए, लेकिन उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं है। तो उनमें से एक है वाकाकुसा मोनोगतारी एपिसोड 6 और एक और है मांगा आइस ऑफ मोनोगतारी। तो अब बोला जा सकता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपने चैनल के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमारे लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड व्यूवर्स का अभी थोड़ा सा वेट करना होगा उस चैनल पे एनिमे देखने के लिए। लेकिन जापानीज ऑडियंस के लिए ये चैनल स्टार्ट हो चुका है, एंड उनका एम ये है कि वो लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहते हैं। अब मैंने अपना पिछले वाला वीडियो एनिमेलॉग का जिस दिन को बनाया था उसी दिन ये चैनल लॉन्च हुआ था, अब 2 दिन के अंदर इनके पास 100K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाने को भी इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अब मुझे ये भी न्यूज़ मिला है कि ये लोग उस टाइप के एनिमे को ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने चैनल पर, जो ज़्यादातर फैमिली फ्रेंडली होता है एंड जो 90s के वक्त पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। सो एज अ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ब्लैक जैक को, जो उनके प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। तो ये एनिमे साल 2000 में योमियूरी टीवी पे एयर होता था जापान में, एंड तब के वक्त पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमे था एक। सो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को मैंने आंसर कर दिया, जो लोग क्यूरियस थे कि इस चैनल पे कौन से टाइप के एनिमेस आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, इनका काम कब स्टार्ट होगा एंड इनका चैनल कौन सा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से इनके ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इनका काम स्टार्ट हो चुका है जैसा मैंने बोला। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना होगा, एंड इस पर फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट्स आएंगे, नॉट लाइक म्यूज एशिया जहाँ पर अनसेंसर्ड एनिमेस भी आते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर तुम कभी फैमिली के सामने एनिमेलॉग खोल भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर म्यूज एशिया खोल देते हो तो भगवान ही जाने। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, एनिमेलॉग के ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, जब तक कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कलेक्ट नहीं हो जाता एनिमेलॉग के बारे में, या फिर कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक मैं इसके ऊपर और वीडियो नहीं बनाऊंगा। एंड अगर आप लोगों को वीकली न्यूज़ देखना भी पसंद है और देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एनिमेस एंड कीप प्लेइंग गेम्स टू। ओटाकू टोपियन किंग साइनिंग आउट, बाय बाय।